पासपोर्ट लिया। चलो मैंने इनकी फेस की जो है ना वैक्स कर दी थी, इनकी भी मैंने कर दी थी सारी जो है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, हमारी जो है मीठी मीठी सुबह हो चुकी है और मैं यहाँ उठ के बैठी हुई हूँ। सबसे पहले मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी और उसके बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता, तैयारी करूँगी नाश्ते की। और आज बड़ी ही उदासी की बात ये भी है कि आज अम्मी जा रही हैं और अम्मी को भी जाना है एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, वो भी आप लोगों के साथ जो है ना वीडियो करूँगी शेयर। और आज मेरा दिल बहुत ख़राब है, बहुत उदास और बहुत ही उदास है कि अम्मी जा रही हैं, फिर उसके बाद फिर वही हम और मेरे बच्चे, फिर वही रूटीन, अकेले हो जाएंगे हम। तो बस सबको ही जाना होता है, सबको ही अपनी मंजिल पे ही जाना होता है, जो भी गेस्ट आता है उसको जाना ही होता है। और बस अभी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी, फिर उसके बाद उठूंगी, अभी नाश्ते की तैयारी करूंगी। बच्चे अभी नहीं उठे, अम्मी भी सो रही हैं और बच्चे भी सो रहे हैं, तो बस अभी उठेंगे तो नाश्ते की करूंगी तैयारी। अच्छा जी, यहाँ मैंने तैयारी शुरू कर दी है नाश्ते की, बच्चे उठ गए हैं और फूल जो कि मैं बना रही हूँ। इनाया आप भी वजू करो नमाज का। अच्छा जी, ये जो फूल तमीज़ होता है ये रात हम लेकर आए थे बाहर से फूल, तो बस अभी बच्चों के लिए जो है ना वही गर्म किया है मैंने। और इसको जो है ना मैंने बघार लगाया, लहसुन का बघार लगा के इसमें माजी की टिक्किया वगैरह डाल के मैंने इसको जो है ना फ्रेश किया है। ये रात ही हम लेकर आए थे तो इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी और बस बच्चे इंजॉय करेंगे। और ये पराठे और ये चाय। अच्छा जी, नाश्ता तो तैयार हो रहा है और नाश्ते के साथ साथ मैं सोच रही हूँ मैं उनका भी नाम ले लूँ जिन्होंने कमेंट्स किए थे कि हमारा नाम लीजिएगा नाजिया जी ज़रूर अपने व्लॉग में। सोबिया हाशिम, अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी फैमिली को मेरा सलाम, आपको मेरा सलाम। और सदफ नफीस, आपको और आपकी फैमिली को मेरा सलाम और प्यार। और लाइबा जी, जिनको थायराइड है उनके लिए मैं उनकी सेहत के लिए दुआ करूंगी, अल्लाह ताला उनको इस तकलीफ़ से आज़ाद करे और उनकी तकलीफ़ दूर करे, अल्लाह ताला उनको शफा दे बहुत जल्द। आप लोग भी ज़रूर उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी ये तकलीफ़ को दूर कर दे, आमीन। और एक मोहम्मद साहब थे, आपका भी मैंने नाम ले लिया। चलो टो 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 हैंड वॉश करो। आज अम्मी को जो है ना पराठों की खुशबू जो है ना पागल कर रही है। टेबल पे ये दाल, सिक्स ओ क्लॉक एयरपोर्ट जाना है। आज अम्मी चली जाएंगी, मोहम्मद अम्मी जा रही हैं, फिर अम्मी आएंगी सर्दियों में, जब रियाद में आ जाएंगी सर्दियां फिर आएंगी। सितंबर में मौसम चेंज हो जाएगा फिर सर्दियों में ही आएंगी। हाँ
फिर नादी आप ही भी साथ आएंगे। ये लो मोहम्मद, मोहम्मद जल्दी जल्दी खाओ बेटा। आज पापा की चेयर पे जैनब सहबा बैठ गई हैं, हैं पापा नहीं थे तो, पापा आ गए हैं, पापा की सीट खाली करो। सारी ज़िंदगी हम लोगों ने अम्मी के हाथ के पराठे खाए, मुझे बहुत खुशी है कि अम्मी ने जो है ना इन दिनों में मेरे हाथ के पराठे खाए हैं अम्मी, और अम्मी की जो है ना खिदमत करने को मिली है मुझे, बहुत खुशी हुई। सारी ज़िंदगी अम्मी के घर हम लोग ही रहे हैं और खाया पिया अम्मी के हाथों का, तो अल्लाह ने मौका दिया मुझे बहुत अच्छा अहमद के थ्रू। अम्मी का दिल रियाज में नहीं लगता क्योंकि यहाँ ड्राइनेस बहुत है, तो अम्मी को जो है ना ड्राइनेस वगैरह जो है ना इससे उलझन होती है, तो यहाँ का मौसम ऐसा है जद्दा के मौसम से डिफरेंट, तो इस वजह से यहाँ रह नहीं सकती थी। एक दो दफ़ा आई हैं मेरे पास तो कम दिनों में रही हैं और चली गई हैं। हैं अस्सलाम वालेकुम, हेड को आज मैंने छुट्टी दी है, मैंने कहा फ्राइडे को आना एयरपोर्ट जो निकलना। हाँ हाँ पापा आ गए, सलाम किया पापा को। ये वैसे सोते रहते हैं अहमद साहब, जब खाना हम खा रहे होते हैं ना तभी ये जो है ना इनकी आवाज निकलती है। ये अभी तो अम्मी संभाल लेती हैं जब मैं खाना खा रही होती हूँ, जब रोते हैं तो, अब आगे जो है ना कुछ नहीं पता, ये रोते रहेंगे शायद, लेकिन मैं अपने बच्चों को खाना खिला के ही इनको उठाऊंगी। हाँ मोहम्मद को खाना खिला के ही इसको उठाऊंगी, ऐसे थोड़ी कि फौरन इसको उठा लूंगी। जल्दी 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 खाओ जल्दी जल्दी। जाओ अपनी प्लेटें, इनाया आपकी प्लेट में पराठा रखा हुआ है अभी, आपका नहीं है, चलो जाओ अपनी प्लेटें जाके टेबल पर रख के किचन में। फिर आयशा ये वाली भी प्लेटें उठाओ एक एक करके, शाबाश। इनाया आप भी जल्दी आओ। मोहम्मद ने अपना जो है ना पराठा पूरा खाया है माशाल्लाह, आधा पराठा जो दिया था वो पूरा खाया है। ये ले जाओ ये वाली प्लेट है, सही से पकड़ो मजबूती से, जल्दी आओ जल्दी आओ, शाबाश। सारा पानी गिराया हुआ है कपड़ों पे। वो प्लेटें उठाओ बेटा, वो वाली। ये ले जाओ इनाया, गरम नहीं है, ठंडा हो गया, अब जाओ टेबल पे रख दो, मैं आ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेड भी मिल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 आवर्स के लिए आती है, वो वैक्यूम लगाती है, डस्टिंग करती है और किचन व�श करती है, चूल्हा साफ़ करती है, बस बर्तन में मशीन में लगाती हूँ डिश वाशर में, और बस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सहूलत हो गई है, उसके आने से सुकून आया है। मैं चाय थोड़ी सी और है पी लूँ, काफ़ी सुकून आ गया उसके आने से। ये भी ले जाओ बेटा फेंको, आओ मामा जल्दी आओ, शाबाश जल्दी आओ, आराम से बेटा। अहमद साहब की अम्मी कर रही हैं मसाज मालिश ऑयल से, तो मैं मोहम्मद का यहाँ जो है ना मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा पेट भर जाए, क्योंकि एयरपोर्ट निकलना है, फिर खाना नहीं खा पाएंगे रात में। वो स्पून और गिलास ले जाओ, लबना जो है ना देखो लबना है इसके अंदर, है तो ये फ्रिज में रख दो, है हाँ है इसके अंदर, स्पून निकाल के, स्पून निकाल के फ्रिज में रखना। आ जाओ जल्दी, आप इधर क्यों नहीं बैठे, इधर बैठ के खाओ ना, हो गया चलो बस आपका। Thank you.
यहाँ डिशवाशर में बर्तन लगा के गई और मुझे बताया नहीं, तो अभी ये फुल था तो इस वजह से मुझे ये वाश करनी पड़ी। मैं बर्तन छोड़ नहीं सकती तो बेसन में, तो बस यहाँ जो है ना ऑलरेडी लगे। मैं कल उसने बताया नहीं मुझे कि डिशवाशर में मैंने बर्तन लगा दिए, मैडम आप लगा दें। अल्हम्दुलिल्लाह वाश हो गए, अब बस जो है ना एयरपोर्ट के लिए करनी है तैयारी। कचरे में शॉपर डाल दो, चलो उठो पैंपर वाश करूँ मोहम्मद। करो, हो गए बाल संवर गए, इनको भी अम्मी ने नला दुला के रेडी शेडी कर दिया, शर्मा वर्मा सब पहना दिया। इसको पिलाए जा रहे हैं विटामिन डी के 3 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स ओनली विटामिन डी के, 2 पिलाए अभी जो है ना, इनकी भी 40 डेज के अंदर की थी तो अहमद की मैंने इसलिए नहीं शेयर की कि सब मुझे यही कहते कि आप बहुत ही जालिम माँ हैं, आपने इतने से बेबी की वैक्स कैसे कर दी, आपको नहीं करनी चाहिए, स्किन ख़राब हो जाएगी, स्किन पे रिएक्शन हो जाएगा, आप क्यों कर रही हैं इतने से बच्चे की वैक्स, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था मैंने इसलिए कर दी, क्योंकि इसकी भी की थी मैंने फेस की, इसकी भी की थी और इनके मुँह पर भी फेस पे बाल बहुत ज़्यादा थे जी, फेस पे बहुत ज़्यादा बाल थे और मुझे होती है उलझन, तो मैंने मोहम्मद की भी, मोहम्मद के तो बहुत ज़्यादा थे, इसके तो हेयर्स बहुत कम थे लेकिन मोहम्मद के बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने मोहम्मद की भी कर दी थी, तो मुझे एक्सपीरियंस था और मुझे वैक्स यूज़ करना आती है, तो इस वजह से मैंने इतनी सी वैक्स, थोड़ी सी वैक्स अपने हाथों में ली थी और इसको, इसके जो रुआँ था हल्का हल्का लाइट सा रुआ था, वो सारा मैंने जो है ना वैक्स से रिमूव कर दिया और शेयर इसलिए नहीं किया कि सबको जो है ना बहुत बुरा लगता कि आपने क्यों की इतने से बेबी की वैक्स, तो बस अभी इनका जो है ना फेस नीट एंड क्लीन हो गया है तो मुझे आगे सुकून, तो बस मैं इस वजह से, कमेंट्स बहुत आए हैं कि आपने बेबी के हेयर कैसे रिमूव किए, शेयर करें आपने कैसे किया, तो बहुत मैं इस वजह से नहीं कर सकी सॉरी शेयर, कि सबको जो है ना फील होता है कि इतना सा बेबी है और आप जो है ना वैक्स कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें उसकी स्किन को भी कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, और इतनी सी वैक्स लेके मैंने बड़े आराम आराम से सुकून से की, क्योंकि मेरा बेटा है, जाहिर सी बात है मुझे इतनी तो जालिम, इतने तो जुल्म तरीके से नहीं करूँगी कि उनको जो है ना पेन हो, तो मैंने बड़े आराम आराम से की और फीडर भी मैं इसको हल्का हल्का देती रही और ये उसके बाद वैक्स करा के नीट एंड क्लीन करा के काफ़ी माशाल्लाह सुकून से सो गए थे। इन सब की है मैंने, सबकी फेस की है, पूरी टीम जो है ना एयरपोर्ट जा रही है, अहमद को ले जाएं आप। ये एयरपोर्ट जाने से पहले अम्मी के लिए लेने आई हूँ टॉफ़ी, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरा दिल ख़राब होता है और बीपी हो जाता है लो, तो इस तरह से कोई टॉफ़ी वॉफ़ी साथ रखती हैं वो बैग में। और क्या पूछो ना, आयशा को जुनून चढ़ा हुआ है तस्बीह का, ये पिघल जाएंगी ना उनके पर्स में, ये वाली भी पिघल जाएंगी, है ना, अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं है ये, है ना, ये ये कौन सी है, ये अच्छी हैं, चलो फिर यही टॉफियां ले लो। आजकल मेरी आयशा को जुनून चढ़ा हुआ है कि मम्मा मुझे बटन वाली तस्बीह लेके दे, मैं तस्बीह पढ़ूंगी तो काउंट करती रहूंगी, तो उसको जो है ना जुनून चढ़ा हुआ है, तो ये मैं ले रही हूँ आयशा के लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा जुनून हर बच्चे को होना चाहिए, मैं कहती हूँ ऐसा जुनून हर बच्चे को हो, और नहीं है इनाया के लिए, मेरे घर में पड़ी थी मुझे याद नहीं है सामान में, शिफ्टिंग में कहाँ गई हैं।
आशा एक ही मिली है इनाया कि मैं घर में ढूंढूंगी, घर में पड़ी होंगी। आप ही को देना, बाकी जा रहा है सामान फ्रिज में, फ्रिज में सेट कर। अब मैं इस फ्रिज को खराब करूंगी फिर आदिल सेटिंग करेगा, जैसे मेरे घर का फ्रिज खराब कर देता है आदिल। अच्छा सर, मैं ही खराब करता हूँ। हो गया फ्रिज, अब ये बाकी सामान घर के फ्रिज में जाएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, चलो चलो चलो। अम्मी ने दे दिए। अच्छा कुछ खा लेना। रखो आप रखो, ठीक है चलो। नानी जा रही है इनकी। मोहम्मद, अम्मी चली गई। मोहम्मद, अम्मी, हाँ अम्मी ऊपर गई हैं, चली गई। हाँ ऊपर चली गई। मोहम्मद गई अम्मी, बाय बाय, बोलो बाय बाय, बाय बाय, बोलो बाय बाय। गई हैं बेटा अपने घर, बाय बाय अम्मी। चलो बच्चों का भी दिल लग जाता है कोई भी आए घर में। क्या हुआ? अम्मी गई? अम्मी, अम्मी चिजियों के लिए पैसे भी दे के गई हैं। हैं चलो आइसक्रीम खाना, चलो जी। अम्मी को जो है ना खैर खैरियत के साथ हमने भेज दिया है अंदर, तो बस जैसे ही उनकी बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे। तो बस आज का जो व्लॉग है वो यहीं करूँगी ख़त्म। और अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।